स्कीम्स जो दी हैं आपके विकास के लिए नाम के वास्ते हैं। अगर नाम के वास्ते नहीं होती तो आपको दिखती ना जमीन पे। प्रधानमंत्री जी हैं जिनके पास इतनी सत्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि बस 5 किलो राशन लो, चुप रहो। मोदी जी यहाँ खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूँ, अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। पूरे देश के सामने बड़े बड़े मंचों पर सारी भाजपा की महिला नेत्रियां मोदी जी पे माला लगाकर कह रही हैं कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है महिलाओं के लिए। सच्चाई क्या है? जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है संसद में, वो 5-6 सालों तक मिलेगा ही नहीं, वो नाम के वास्ते दिया है। स्कीम्स जो दी हैं आपके विकास के लिए नाम के वास्ते हैं। अगर नाम के वास्ते नहीं होती तो आपको दिखती ना जमीन पे, तो आपके जीवन में तरक्की आती। वहां 16 लाख करोड़ रुपए देश के दे दिए, संपत्ति दे दी, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, यहां क्या दिया? 5 किलो राशन का बोरा। और इस 5 किलो राशन के बोरे पे कहते हैं कि आपका भविष्य बनेगा। किसने दे दी इनको ऐसी हिम्मत? राशन अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने नौजवान बच्चों का भविष्य इस राशन के बोरे पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कल मुझे कोई बोलेगा ऐसे कि भाई बेटा काम ना करे, हम 5 किलो राशन देते रहेंगे, लड़ पड़ूंगी मैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, काम करें, रोजगार करें, कमाई करें, भविष्य उनका उज्जवल रहे, आज कुछ काम करें, कल प्रमोट होके कुछ और करें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। और हमारे देश की सरकार ने, हमारे सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं जिनके पास इतनी सत्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि बस 5 किलो राशन लो, चुप रहो, और कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, सब अडानी जी, अंबानी जी और मेरे सारे दोस्तों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये है आज की परिस्थिति। तो जब मैं कहती हूं कि ध्यान से इन बातों को समझो, तो मेरा मतलब ये है कि जो आपका जीवन है ना, वही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो है, ये बात जो है, गहरी बात है, ये हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है। जितने भी संत महात्मा रहे वो हमेशा यही कहते थे, अपनी सच्चाई देखो, अपने अनुभव पर उतरो। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, लेकिन यहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी तो महसूस करती हूं आपके प्रति। मेरे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए, आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना खून पसीना बहाया, एक जिम्मेदारी है हमारी हमारी आपके प्रति और आपकी अपने देश के प्रति कि हम सच्चाई को पहचाने। तो जैसे मैंने कहा, सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहां खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूं, अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कोई तरक्की नहीं आएगी, वही के वही रहेंगे आप, वही 5 किलो राशन, कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा, वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा।